सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख ही सकते हो कि मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और आज हम लोग भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले हैं न्यू दिल्ली से आगरा तक। ये एक टाइम पे इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन था, पर गतिमान की इनोग्रेशन के बाद गतिमान फास्टेस्ट ट्रेन हो गई। अप्रैल 2016 में गतिमान निकली थी, उसके बाद से यह इंडिया का सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन है। गतिमान का टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और भोपाल शताब्दी का 150 किलोमीटर पर आवर। और अभी ये इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है, पर अभी तक ये इंडिया का फास्टेस्ट शताब्दी अभी भोपाल शताब्दी ही है। और रेल फैनों में इस ट्रेन का अलग ही क्रेज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। तो गाइस, ये हम लोग के भोपाल शताब्दी का लोकोमोटिव है, WAP-5 लोकोमोटिव गाज़ियाबाद क्षेत्र का 30117। इस गाड़ी को HOG WAP-5 मिलता है, पर आज नॉन हॉक लोगो मिला है। पता नहीं रीज़न क्या है, ये लोगों HOG में चलता है ये ट्रेन, पर पता नहीं आज क्या हुआ कि इसको नॉन हॉक लोगो, आज ये गाड़ी EOG पे चलेगा और नॉन हॉक लोगो मिला इसलिए। तो गाइस, जरक लग गया और हम चल पड़े हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये बगल में खड़ी है नई दिल्ली दोहराई शताब्दी एक्सप्रेस, जो पहले नई दिल्ली अजमेर शताब्दी थी, अभी दोहराई तक जाती है एक्सटेंशन होने के बाद। देखते हैं वंदे भारत के साथ पैरेलल होती है या नहीं, कि उसका भी डिपार्चर टाइम सुबह को 6 बजे है। चलिए देखते हैं फिर वही। तो नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस में भारतीय रेल आपका हार्दिक स्वागत करती है। नई दिल्ली से भोपाल तक की कुल 705 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 7 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा। यात्रा के दौरान यह गाड़ी मथुरा, आगरा, छावनी, मुरैना, ग्वालियर, झांसी स्टेशनों पर रुकेगी, भोपाल पहुंचेगी। धन्यवाद। 002 न्यू दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। The total journey of 705 kilometers. ये पूर्वा एक्सप्रेस एंट्री कर रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, बैंग ऑन टाइम एकदम। 6 बजे का अराइवल है पूर्वा का, बिल्कुल 6 बजे एंट्री मार रही है। और ये लग रहा है पीछे देख के जैसे कि वंदे भारत भी हमारे साथ पैरेलल निकल रही है। हाँ, जब कभी भी आवश्यकता हो भारत स्टेशनों पर आप अपना सामान ले जाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कुलियों का उपयोग कर सकते हैं। कुलियों द्वारा चार्ज के मामले में संबंधित स्टेशन पर। ये रहा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। विदेशी पर्यटकों और अनिवासी भारतीयों के लिए आरक्षण। क्या बढ़िया लोग से विशेष सुविधा नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पहली मंजिल पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप किसी भी सहायता के लिए उप अधीक्षक या ट्रेन अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। हमारी सेवाओं में सुधार के लिए हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। ट्रेन अधीक्षक को अपना सुझाव या शिकायत दर्ज करें, हम आपकी सुखद है। दिस विल हेल्प फ्री मूवमेंट इन द आयल। और ये वंदे भारत एक्सेलरेशन कर चुके हैं,
देख ही सकते हो क्या एक्सेलरेशन है, तुरंत निकल गई है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। ये त्रिवेंद्रम राजधानी खड़ी है, ये हजरत निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी। ये पहले तो निकलती थी शायद सुबह 10:50 पे निकलती थी, और अभी ये शायद 6:10 या 6:15 पे निकलती है हजरत निजामुद्दीन से। एग्जैक्टली पता नहीं, शायद 6:15 या 20 होगा निकलने वाली ये लोकोमोटिव। इसका तो कहते हैं भाई एग्रेशन। हम लोग फरीदाबाद न्यू टाउन निकल रहे हैं, अभी 150 पे निकल रहे हैं फरीदाबाद न्यू टाउन। इसको कहते हैं एग्रेशन, इंडिया का फास्टेस्ट शताब्दी। स्पीडोमीटर कौन सा है? ये देखिए पूरा 150 मारते हुए भोपाल शताब्दी। गाइस अभी हम लोग रुंधी निकल रहे हैं, पूरा 150 के स्पीड से। मेरा रुंधी का स्किप प्रजीत जी। देखिए पूरा 150 मारते हुए। खाली पहुंचे हम लोगों का।
चलिए देखते हैं थोड़ा वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। ऐसा वॉशरूम ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा भी, मतलब मेंटेनेंस नहीं है, मतलब कि अभी तक कोई ओबीएचएस स्टाफ आके कोई क्लीननेस क्लीन किया नहीं है, इसलिए इतने एक्टिव ओबीएचएस नहीं है इस गाड़ी का। ठीक है वैसे, पर ओबीएचएस को मतलब दूसरे जोन का मैं ओबीएचएस देखा काफ़ी एक्टिव होता है, इधर अभी इतना एक्टिव नहीं है। इनफैक्ट इनार का ये गतिमान एक्सप्रेस का ओबीएचएस काफ़ी एक्टिव रहता है और क्लीनिनेस ज़्यादा बेटर रहता है उसका भी। आप लोग अनाउंसमेंट सुने ही होंगे, ट्रेन का श्री कृष्ण का जन्म स्थान है मथुरा जंक्शन। गाइस इधर हम लोग किसी एलएचबी ट्रेन को ओवरटेक मारे और इधर और एक एलएचबी ट्रेन हम लोग को क्रॉस कर रही है। अरे ये पता नहीं ये कौन सी ट्रेन है जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। स्टेशन है बिलोचपुर आगरा, सबसे बिलोचपुर आगरा निकले हम लोग। आधुनिक राजधानी तो मदर के धारा चीज। और भाई ये मुंबई सीएसटी राजधानी है, পিছনে একটা ইঞ্জিন লাগানো আছে তোমরা দেখতে পাবে। দেখো ওই জড়ি গেল পুষ্পুল তো। গাইস हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं, बिल्कुल 8 बजे आगरा घुस रहे हैं, 10 मिनट लेट। रन तो बहुत बढ़िया था, बस यही है कि लेट हुए इसलिए क्योंकि बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शंस था, क्योंकि काम चल रहा था बहुत जगह पे, इसलिए 10 मिनट लेट हुए, वरना ऑन टाइम ही आ जाते। जो भी था बढ़िया ही था रन। तो गाइस पहुंच चुके हैं आगरा कैंट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।